हेलो तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमिस और इस प्यारी सी कक्षा में। मैं आपको एक बार याद दिलवा देता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ की मैथ का अध्याय थर्ड, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज उसका लेक्चर नंबर 15 है। आज ये लेक्चर उसका लास्ट होने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने सारी प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। हम लोग लास्ट प्रश्नावली पढ़ रहे हैं जो कि है हमारी 3.6, ठीक है। हम लोग कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 3.6, ठीक है। इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर वन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके सभी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। कुछ मैंने होमवर्क में दिए होंगे, वो भी आपने कर लिए होंगे, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं इसका प्रश्न नंबर दो। आप समझ लीजिए, आज आप ये एक बात समझ लीजिए कि ये प्रश्न नंबर दो में से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, इसलिए आपको ये बड़ा ध्यान से सुनना है। ये दिमाग को चकरा देने वाले सवाल है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, आपको जो ये प्रश्न नंबर दो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। इसके तीन पार्ट है, इसके तीन पार्ट में से एक ना एक पार्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये बात लिख के ले लो आप। या इसके टाइप का उदाहरण भी मैंने करवाया था, जो इसमें भी हम करेंगे तो मैंने उसमें उदाहरण भी करवाया था। यदि आपने उदाहरण नहीं देखा तो आप हमारी प्रीवियस लेक्चर में जाके सारे उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण में से भी आ सकता है। इतना ध्यान रखना ना, मैंने आपको शुरू में ये बात क्लियर कर दी थी कि चैप्टर के प्रश्न तो कम आते हैं। मैंने क्या बोला, गौर से सुनना, चैप्टर के प्रश्न तो कम आते हैं और उसके उदाहरण दे दिए जाते हैं, इसलिए यदि आपने हमारे उदाहरण नहीं देखे तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार उदाहरण देख लीजिए। और अब तक जिस भी बच्चे ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दो, जिससे कि मैं इस प्रश्न को, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उसको मैं खूब जुनून के साथ कर पाऊं, ठीक है। और जो भी हमारे साथ बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटे को प्रेस कर दो, जिससे कि मैं जो भी आपके पास वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलो फिर हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी पेन खोल लीजिए और एक कमरे के कोने में बैठ जाओ, सिर्फ मेरे पे सबका फोकस होना चाहिए और पढ़ाई में लीन हो जाओ, ठीक है। स्टार्ट करें क्या फिर? चलो बोलो, थम्स अप भेजो। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, बताओ थम्स अप भेज दो, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। पर उससे पहले यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको हमारे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ नोट्स बिल्कुल मुफ्त में पा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, आपको सिंगल रुपीज पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हमारे वीडियो को हाइलाइटेड क्लिप्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, मैं इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकता हूं, ठीक है। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि आप तक अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लो ना, फटाफट कर लो, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में आपको करवा दिया था, यदि जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है तो जरूर देखना उसे, ठीक है। बहुत मजा आएगा, कोई भी चीज को हम लोग ट्रिक के साथ कर रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सभी अपनी कॉपी खोलेंगे, सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, सभी अपनी कॉपी खोलेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें मैं कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। उसमें का पहला क्वेश्चन है, जो कि जब मैं 10th क्लास में था जब भी ये प्रश्न आया था, पहला ही क्वेश्चन क्या है इसके, जो भी क्वेश्चन है सारे दिमाग चकरा देने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कर देना। मैं बार बार कह रहा हूं, इस पर क्यों इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता है। यदि आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया ना तो आपके 3 से 4 नंबर गए, फिर जो हमारा टारगेट है 90+ का वो आप कैसे अचीव कर पाएंगे। यदि आपको टारगेट हमारा अचीव करना है तो आपको इन क्वेश्चंस पर ध्यान देना पड़ेगा, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करें सेकंड का, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका देखते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में
20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। इसका मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया है कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल वाले सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं, ये मैंने बनाया था। सुनो, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो पहला क्या कह रहा है, समझ लो पहले इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले ये समझ लो। कोई ये भैया नदिया है, ये कोई नदिया है, इतना समझ में आ गया। एक ये नदिया है, ये भैया हमारे पास 2 नदियां हैं, ठीक है। और इसमें कौन तैर रही है, इसमें कौन तैर रही है, रीतु तैर रही है। कौन तैर रही है भैया, रीतु। तो हमारे पास भैया ये हमारी रीतु है, ठीक है। ये भैया रीतु है, ये इसके हाथ है, चोटी में समझ लेना। ये रीतु है, ठीक है, ये रीतु है, एक रीतु ये है, मतलब यही है, ठीक है। 2 नदियां यहां भी रीतु तैर रही है, वहां भी रीतु तैर रही। पर सुनो, यहां जो तीर तैर रही है ना, तो जल की दिशा इधर है, जल की दिशा इधर है, बोले तो जल इधर को बह रहा है, इधर ऐसे ऐसे जल तो इधर बह रहा है, और रीतु भी इधर 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 की तरफ ही तैर रही है, रीतु भी इस इधर ही तैर रही है, जल भी इधर चल रहा है, ठीक है, रीतु भी इधर सू 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 तैर रही है, ठीक है, जल भी चल रहा है, रीतु भी चल रही है, मतलब जल भी इधर जा रहा है, जल भी इधर जा रहा है, रीतु भी इधर तैर रही है, मतलब इसकी तैरने में जल भी मदद कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा भाई, उसको तो उधर तैरना ही है, और जल भी कह रहा है चल मैं भी तुझे तैरवाता हूं, इसे तैरवा रहा है। पर यहां पर क्या हो रहा है, गौर से सुनना, यहां पर क्या हो रहा है, रीतु तो इधर तैर रही है, यहां पर क्या हो रहा है, सुनो, चलो रीतु को इधर तैरवा देते हैं इस बार, ठीक है, सुनो, समझने में आसानी हो जाएगी। सुनो, रीतु तो इधर तैर रही है, इस बार रीतु इधर तैर रही है, पर हमारी नदियां किधर बह रही है, इधर नदियां हमारी अभी भी इधर बह रही है, पर इस बार क्या बोला भाई, रीतु ने नदियां पार कर दी थी, नदियां पार कर दी थी, अब वो उधर से फिर इधर आएगी, इधर उधर से अब वो फिर इधर आएगी, तो जल तो इधर ही बह रहा है, जल तो इधर ही बह रहा है। अब रीतु जल के अपोजिट, रीतु जल के अपोजिट तैर रही है, भैया जल उधर ले जा रहा है, रीतु इधर आ रही है, तो उसको बहुत हाथ ऐसे ऐसे चलाने पड़ेंगे तैरने के लिए, चलाने पड़ेंगे या नहीं बताओ, जो बच्चों को आते तैरना उनको पता है, होता है ऐसे या नहीं। आप इधर चल रहे ना, आप जल इधर को बह रहा है और तैर इधर रही है रीतु, तो रीतु को तैरने में थोड़ी कठिनाई होगी, रीतु को तैरने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम भैया मैथ वाले तो भगवान से हमें इजाजत मिल रखी कि हम लोग एक्स वाई मांग सकते हैं, तो अब यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या करना है, हमने मान लिया कि जो रीतु है वो धारा की दिशा में ये एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रही है, और जो जल बह रहा है, जो जल बह रहा है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो रीतु है वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सू 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 करके तैर रही है, और इधर जो भैया हमारा वाटर है, जो हमारा जल है, वो जल भी वो जल हमारा वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है भैया, रीतु एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर जा रही है, इधर तैर रही है, पर जल इधर 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रहा है, यानी कि बह रहा है, ठीक है, बह रहा है। इतना आ गया समझ। अच्छा, इस वाली कंडीशन में क्या होगा, अब सुनो, अब बात आती है कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल क्या होता है, यहां पर समझ लो। जब जब भैया हमारा जल है, जल भी इधर जा रहा है, सुनो भैया, जल भी इधर जा रहा है और रितुआ भी, देखो जल भी इधर जा रहा है, रितुआ भी इधर जा रही है, जल भी इधर जा रहा है, रितुआ भी जा रही है, मतलब जिधर जल जाए और उधर ही रितु जाए, जिधर जल जाए उधर ही रितु जाए, या कोई भी तैराक जल के साथ साथ तैराक भी तैरे, जिधर जल तैर रहा है उधर तैराक भी तैरे, तो उसको बोलते हैं अनुकूल। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं धारा के अनुकूल, धारा के, उसको बोलते हैं बच्चे धारा के अनुकूल,
अच्छा धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, जब जल तो इधर तैरे, जब जल तो इस दिशा में तैरे और तैराक उसके विपरीत दिशा में तैरे, तैराक उसके विपरीत दिशा में तैरे तो उसको क्या करेंगे, उसको कहेंगे हम लोग धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल 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 उसके प्रतिकूल, उसके उसके एंटी, एंटी में तैर रहा है, उसके मतलब विपरीत दिशा में तैराक तैर रहा है, ठीक है। अनुकूल मतलब उसके साथ साथ, प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत दिशा में, इतना आ गया समझ में। तो अब इसकी चाल क्या हो जाएगी, इसकी चाल क्या हो जाएगी बताओ मुझे, इसकी चाल क्या हो जाएगी और इसकी चाल क्या हो जाएगी बताओ, दोनों की चाल बताओ। इधर सुनो भैया, इधर सुनो, इधर भैया ये क्या हो रही है, ये ऋतु तैर रही है, ऋतु तैर रही है, ठीक है, ऋतु तो तैर रही है, मान लो उसको हमने एक्स लिख दिया, ठीक है, ऋतु तैर रही है, ठीक है। अब साथ साथ में इसकी पानी भी मदद कर रहा है, रे लड़कियों की सब कोई मदद करता है, ऋतु तैर रही है, ऋतु तैर रही है और साथ में इसको पानी बोल रहा है, चल रहे ऋतुआ, चल रहे ऋतुआ, चल रहे ऋतुआ। अब सुनो क्या होता है भाई, क्या हो रहा है, ऋतु भी तैर रही है, ऋतु तैर रही है और इसकी मदद कौन कर रहा है, पानी भी इसको सपोर्ट कर रहा है, पानी भी इधर ही तैर रहा है, पानी भी इधर बह रहा है। तो भाई मैं ये कह सकता हूं इसकी चाल प्लस इसकी चाल, इसकी चाल प्लस इसकी चाल, क्यों कह सकता हूं, क्यों कह सकता हूं, क्योंकि ऋतु भी इधर तैर रही है और वाटर भी इसकी मदद कर रहा है, यानी कि अनुकूल, इसके अनुकूल ये तैर रही है, जल के अनुकूल तैर रही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसकी क्या हो जाएगी, इसकी ये जो रितुआ है, रितुआ तो इधर तैर रही है, रितुआ तो इधर तैर रही है, अब जल इसकी मदद नहीं कर रहा है, अब जल इसकी मदद नहीं कर रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो रितुआ की है, जो रितुआ की है वो चाल को कौन कम कर रहा है, वाटर की चाल, वाटर की चाल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ रितुआ तो इधर तैर रही है, इस बार जल पर इधर ही तैर रहा है, तो रितुआ की चाल में ये विरोध डाल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस बाई किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी ये चाल है। धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है, x माइनस बाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल क्या चाल है, x प्लस बाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फटाफट इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मेन चीज इस क्वेश्चन का जो पीछे का सारा सार था ये था, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन तो रट्टा मार लेते हो, क्वेश्चन तो कर लेते हो, पर जो उसके पीछे की थ्योरी होती है ना वो नहीं पता होती, इसलिए आपको लंबे समय तक क्वेश्चन याद नहीं रहता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं उसके पीछे की जो थ्योरी है पहले वो बताने की कोशिश करता हूं, फिर आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूं। यदि आपने ये पीछे की थ्योरी एक बार सीख ली ना, तो आप क्वेश्चन हवा में उड़ा देंगे, क्वेश्चन को आप कभी भूल नहीं पाएंगे, क्वेश्चन आपके माइंड में चले जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूला हो तो उसके उससे पहले हमें उसके पीछे की जो थ्योरी होती है उसको सीख लेना चाहिए। यदि आपने एक बार थ्योरी सीख ली ना, तो आप क्वेश्चन को तो भूल ही नहीं सकते, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले इसको, फिर हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो आई होप कि ले लिया होगा सभी ने। चलो अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, क्वेश्चन पढ़ो अपनी बुक में, बुक में पढ़ो। क्वेश्चन वह हमारा कह रहा है कि 20 किलोमीटर धारा के, क्या कह रही है कि 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल दो घंटे में तैरती है, यही तो कह रहा है। तो हम लोग लिख देंगे यहां पर 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक है, 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल तैरने में लगा समय, तैरने में लगा समय कितना लगा, कितना लगा, दो घंटे था, दो घंटे लगे, ठीक है, इतना आ गया समझ में। आप सुनो, अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है भैया, समय बराबर दूरी बटे चार, दूरी बटे चार, ठीक है। तो ऐसा करूं ना, समय को मैं उधर लिख लेता हूं, ये ठीक है, दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, ठीक है, या समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब दूरी हमारी कितनी है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर बटे बटे चाल कितनी है, चाल, अच्छा धारा के अनुकूल,
20 किलोमीटर, ठीक है। अब तैरने में लगा समय, चाल कितनी है, चाल अभी हमने निकाली थी जब धारा के अनुकूल तैर रही थी, तो रितु जो एक्स थी और जो पानी की चाल थी भाई उसकी मदद कर रहा, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई बराबर में कितने घंटे ले रही है, 2 घंटे ले रही, कितने घंटे ले रही है, 2 घंटे ले रही है, बताओ। इतना मुझे इतना आ गया आप लोगों की समझ में, ठीक है। इसको हम लोग यहां से कटा भी सकते हैं, 2 दशमलव 20, ठीक है, यहाँ 1 है, 2 एकम 2, 2 दशमलव 20, तो क्या हो जाएगा, इसको हम उधर भेज देंगे, इसको हम लोग उधर भेज देंगे, तो x प्लस वाई बराबर में 10 क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 10 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, नहीं है ना, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं आगे, इतना आगे समझ में। अब देखो क्या होता है, एक तो ये कंडीशन थी, अब दूसरा क्या बोला है, क्वेश्चन को आगे पढ़ो, हमने इतना तो कर लिया, क्वेश्चन को आगे पढ़ो, बोल रहा है कि और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तैरने में लगा समय, तो कितना लगा भैया, 2 घंटे ही लगे, क्योंकि वो प्रतिकूल गुण भैया, तो फिर लगा लेंगे क्या हम, दूरी बटे चाल बराबर समय, दूरी है 4, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल तैर रही है, यानी कि इस बार रितु की मदद वाटर भी नहीं कर रहा है, ठीक है, बराबर में समय कितने, 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर में 2, तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई, ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई और ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। बताओ यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, क्या मजा आया, आया मजा, ठीक है। चलो ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब मुझे अच्छी लगती है विलोपन विधि, तो मैं करूंगा विलोपन विधि से सोल्व। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, नहीं आनी चाहिए, ठीक है। विलोपन विधि से, चलो विलोपन विधि से क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को बराबर कर देते हैं, x प्लस वाई बराबर में 10, x माइनस वाई बराबर में 2। अब क्या कर देंगे हम लोग, इससे ये कट जाएगा, 2x बराबर में 12, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 2 छिंग 12, x बराबर 6 आ जाएगा, इस 6 को समीकरण नंबर 1 में रख दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस y बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6 और y बराबर 4, डिश क्या बताओ, समझ में आया क्या, समझ में आई क्या, ये बताओ भैया हमको, समझ में आया क्या, हमारी x की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, और y की वैल्यू भी आ गई है, इतना समझ में आया, बताओ मुझे इतना समझ में आया। तो y क्या था यहाँ पर, y था हमारा धारा की चाल, धारा की चाल हमने माना कितना, y को धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और हमारी जो रितुआ की चाल है वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया क्या, इतना बताओ, फटाफट इसको नोट करो, जहां भी प्रॉब्लम हो ना फटाफट मुझे बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, फटाफट यही आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा, और कमेंट में इसका आंसर लिखते चलो, और कितना मजा आ रहा है कमेंट में वो भी मुझे बताओ, सारा फटाफट बताओ मुझे कमेंट में कितना मजा आ रहा है, ठीक है, बताओ मुझे, समझ में आ रहा है ये चीजें सारी, समझ में आ रही है, बताओ भाई कमेंट में बताओ, और मेरे साथ साथ सभी नोट किया करो, नोट करो फटाफट, स्क्रीन शॉट लो इसका, ठीक है, क्वेश्चन को इस तरीके से समझाऊंगा ना आप कभी भूल नहीं सकते। चलो अब हम लोग इसको लव कर देते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट में बिल्कुल आग लगा देनी चाहिए आपको, ठीक है, और जो प्यार वाला बटन है हमारा लाइक का, उसको तो कभी भी भूल भी मत जाना, उसको तो दबाना आपका कर्तव्य है, उसको दबाना आपका कर्तव्य है, तो लाइक वाला बटन जरूर दबा देना, ठीक है, आप अपना प्यार दिखाते रहिए, और मैं आपको इतना खतरनाक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और लॉजिक सिखाऊंगा ना, जो आप लोग कभी भूला ही नहीं सकते। सेकंड क्वेश्चन,
जो कि सर चकरा देने वाला क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, सारे पीवाईक्यू हैं इसके, क्वेश्चन नंबर दो के सारे पीवाईक्यू हैं, इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना, बिल्कुल गौर से देखना जो जो मैं करवा रहा हूँ, और वैसे ही सेम टू सेम आपको बोर्ड की कॉपी पे छाप के आना है, पूरे नंबर पाना है और टारगेट 90 प्लस लाके रसगुल्ले खवाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो पढ़ो पढ़ो क्या है। दो महिलाएं एवं पांच पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ चार दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि तीन महिलाएं एवं छह पुरुष इनको तीन दिन में पूरा कर सकते हैं। याद कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक है। देखो फिर इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, एक बार आप लोग रीड करिए, ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें ना, आपको पहले एक अकेली महिला का काम आपको एक्स मान लेना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में एक एक करके निकालेंगे, इसमें हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि एक महिला का काम एक्स है तो दूसरी का क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। हम लोग उसका एक महीने का काम एक दिन में निकालने वाले हैं। सपोज दैट किसी महीने ने 10 दिन काम किया तो मुझे उसका एक दिन निकालना है, एक दिन निकालना हो तो क्या करेंगे हम उसको भाग कर देते हैं, कर देते हैं या नहीं कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो इस प्रकार ही हमें इस क्वेश्चन में करना होगा। चलो अभी आपके नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन नहीं, अभी मैं करता हूँ, सीधे दिमाग में प्रवेश करेगा, ठीक है। चलो देखिए हम लिख लेंगे माना, लिख लेंगे हम माना एक अकेली, ठीक है, माना एक अकेली महिला को काम खत्म, ठीक है, काम खत्म करने में एक्स दिन का समय, एक्स दिन का समय लगता है, ठीक है, लगता है, ये हमने मान लिया, ठीक है, इतना हमने ये मान लिया, इतना नोट कर लिया, नोट करो फटाफट, ठीक है। और लिख देंगे और एक लिखेंगे और एक पुरुष, एक अकेले पुरुष को काम खत्म करने में, ठीक है, करने में वाई दिन का समय लगता है, ठीक है, इतना तो हो गया हमारा, इतना हो गया, ठीक है। ये हमने एक्स और वाई को मान लिया, एक अकेली महिला द्वारा किया गया काम को एक्स मान लिया, और एक अकेला पुरुष के द्वारा काम किए गए को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सुनो, अब क्या करेंगे, ठीक है, एक महिला द्वारा देखो क्या लिख रहा हूँ, ये लाइन है इम्पोर्टेंट सबसे, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये, एक महिला द्वारा एक दिन का काम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक बटे एक्स वा भाग, ये वाला बिल्कुल आपको क्वेश्चन को बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक महिला द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक बटे एक्स वा भाग, ठीक है, एक महिला एक पुरुष शब्द द्वारा निकाल लेंगे ना, एक पुरुष द्वारा एक दिन का काम बराबर एक बटे वाई वा भाग, ठीक है, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे,
दो महिलाएं एवं पांच पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, कितनी महिलाएं हैं? दो महिलाएं और पांच पुरुष। दो महिलाएं पांच पुरुष उसको कसीदे में काम करती हैं और वो 4 दिन में पूरा कर लेती हैं, 4 दिन में पूरा कर देती हैं। ठीक है, एक महिला द्वारा एक दिन में काम कितना होगा? 1/x वां भाग। तो दो महिला द्वारा जो काम होगा वो कितना हो जाएगा? 2/x प्लस। ठीक है, अब आगे क्या है? पांच पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में करते हैं। ठीक है, पांच पुरुष एक पुरुष कसीदे में काम कर रहा है, एक पुरुष को हमने क्या मान रखा है? भाई मान रखा है। ठीक है, भाई मान रखा है। अब वो एक पुरुष द्वारा दिन का काम कितना हमने मान रखा है? 1/y। अब पांच पुरुष का क्या हो जाएगा? 5/y बराबर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 4। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। तो ये समीकरण बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समीकरण नंबर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देखो क्या बोल रहे हैं। जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष को, 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कितनी 3 महिलाएं। तो एक महिला को एक दिन काम करने के लिए कितना लगता है? 1/x और 3 महिला बोला है, तो 3/x प्लस। अब आगे बोल रहा है 6 पुरुष लिखा है। ठीक है, एक पुरुष को एक दिन का काम कितना है? 1/y। तो 6 है, तो 6/y बराबर में कितने दिन में करते हैं ये लोग? 3 दिन में कर लेते हैं। ये समीकरण नंबर दो हो गई। तो ये हमने समीकरण बना ली। अब इसको हम इजीली तरीके से सोल्व कर लेते हैं। इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1/x को a मान लेंगे और 1/y को b मान लेंगे। अब कर लेते हैं, चलो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2a + 5b बराबर में 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा बबुआ? 3a + 6b बराबर में 3। ये हो गई। अब क्या करेंगे? ये समीकरण नंबर 3 और हमने क्या बोल दी? 4 बोल दी। इसको अब हम विलोपन विधि से क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे। इसको अब हम विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं। इसको अब हम विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गई। क्या हो गई? देखो, जब हमने पुरुष को इसको बटे में लिया था ना, तो इसको भी हमें क्या करना था? 1/4 लिखना था, 3/1 लिखना था। क्यों लिखना था? क्योंकि 4 दिनों में से हम लोग 1 दिन का काम निकाल लें, 4 दिन का पूरा काम नहीं निकाल लें, हम लोग 1 दिन का काम निकाल लें, इसलिए 1/4 हो जाएगा। भाई 1/4 का मतलब क्या है? कोई ये एक रोटी है, तो 1/4 का मतलब क्या है? इसका एक हिस्सा। ठीक है, 1/4 मतलब इन 4 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा। ठीक है, मतलब 1/4 भाग भी इसको कहते हैं। इसलिए 4 दिन का काम हम लोग अभी नहीं निकाल रहे, उस 4 में से 1 दिन का काम निकाल लें, तो हम 1/4 लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 और 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सुन लो, अब हम लोग क्या करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई हम लोग इधर कर देते हैं। अभी रुक जाओ, इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 8 + 4 × 5 = 20 = 1। इसको समीकरण नंबर 3 बोल देंगे। अब हम इसका 3 × 9 + 6 × 6 = 18 = 1। ये समीकरण नंबर 4 हो गई। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 हो गई। तो हमारी इस तरह से ये बन गई। ठीक है, यदि आप इसमें से कुछ कॉमन आए तो कॉमन ले लेना, बन जाएगा। ठीक है, जो इसके आगे का क्वेश्चन है ना, आप लोग कॉमन लेके कर सकते हैं। 8 × 4, ठीक है, ऊपर वाली में 4 से कॉमन ले लेंगे हम। क्या हो जाएगा? 4 × 8 + 4 × 5 = 1। जो उधर गुणामा हो जाएगा 4, तो 2a + 5b = 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 9 ले लो, 9 × 9 = 18 = 1। ये उधर जाके बूढ़े में हो जाएगा a + 2b = 9।
अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, ये हमारी समीकरण नंबर सपोज दैट 5 बन गई और समीकरण नंबर ये 6 बन गई। अब इन दोनों को आप लोग, इन दोनों को आप लोग विलोपन विधि से हल कर लेना, विलोपन विधि से हल कर लेना, ठीक है। इजी है, कुछ भी नहीं है। मेन काम तो इसका जो मेन काम था वो ये था। मेन काम क्या था, वो मेन काम ये था, आप लोगों को ये करना है, ठीक है। मेन काम ये था हमारा, इतना आ गया समझ में। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वाई क्यू है, ये भी, ये भी पी वाई क्यू है। इसके जो भी क्वेश्चन है वो सारे पी वाई क्यू, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो और जो पूछना है पूछो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो हेलो, चलो 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 बच्चों, चलो बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी का तिलक कर, ये मिट्टी है बलिदान की। चलो फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो क्या है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, ठीक है भैया। यदि आप 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष तथा शेष बस द्वारा यात्रा करते हैं, उसे 4 घंटे या बस यात्रा करने में उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 घंटा रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसको, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मतलब उसको कुछ मिनट दे रखे हैं, उतने अधिक लगते हैं, ठीक है, अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी और बस की हमें क्या करना है, चाल ज्ञात करनी है। देखो आप लोग भी सोच सकते हैं, जब आप लोग स्कूल जाते हैं या किसी काम को करने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो कुछ दूरी आप लोग पैदल ही भी चलते होंगे, ठीक है। ये कुछ दूरी आप ऑटो से जाते हैं और कुछ दूरी आप पैदल चल लेते हैं, तो ये दोनों दूरी है या नहीं है। इसी प्रकार ये रूही है भाई, रूही है, अपने घर जाती है तो ट्रेन का भी सहारा लेती है और बस का सहारा भी लेती है। या आप लोग भी अपने गांव जाएंगे तो ट्रेन से भी जाएंगे और बस का भी सहारा लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार है, चलो फटाफट कर लेते हैं। तो हम लोग दोनों की चाल को एक्स वाई मान लेंगे, ठीक है। माना, माना, मैंने माना कि रूही की चाल, मैंने माना, मैंने माना रूही की चाल नहीं, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने तुमसे बोला था कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल, बस की चाल, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये है, अब क्या है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी, अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे, 300 किलोमीटर दूरी पर उसका घर है भैया, तो वो बस से भी जाती है, रेलगाड़ी से भी जाती है। यदि वे 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो क्या करेंगे भैया, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी, रेलगाड़ी द्वारा, द्वारा यात्रा करने में लगा समय, यात्रा करने, करने में लगा समय, ये समझ लीजिए। इन वाले क्वेश्चंस में समय का फॉर्मूला आना चाहिए आप लोगों गो को। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 60 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, रेलगाड़ी की चाल कितना है, दूरी बटे चाल होता है, चाल है x, प्लस 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 क्या है, अब दूसरा लिख लेते हैं हम एक बार, इतना हमने लिख लिया इसका समीकरण में। अब दूसरा बोल रहा है इससे शेष, भाई टोटल कितनी है, टोटल 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, और वो 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से करती है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से करती है, शेष बची हुई 300 में से 60 घटा दो कितनी बची, 240, यानी कि 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर तो वो यात्रा किससे करती है, बस से, किलोमीटर बस द्वारा, बस द्वारा यात्रा करने में लगा समय, यात्रा करने में लगा समय। चलो
240 बटे में वाई बराबर में टोटल कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है, 4 घंटा ही तो लग रहा है ना। ठीक है, ये तो हो गई समीकरण नंबर एक, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर एक। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला है, 100 किलोमीटर, दूसरा बोला है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यदि वे 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ठीक है रेलगाड़ी से जा रही है और शेष वो किससे जा रही है, बस से, यानी कि 300 में से 100 घटा देंगे 200 जा रही है ना, 200 जा रही है, तो फिर लिख लेंगे हम 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय, यात्रा में लगा समय। ठीक है, तो क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, दूरी बटे चाल, रेलगाड़ी की चाल एक्स मान रखी है, बोल रहा है शेष मतलब 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बस द्वारा यात्रा करने में लगा समय, यात्रा करने में लगा समय बोले तो समय, दो सौ बटे दूरी बटे चाल वाई, कितना लगता है टोटल लगता है उसको 4 घंटे से, उसको 4 घंटे से 10 मिनट अधिक लगते हैं, 4 घंटे से 10 मिनट अधिक लगते हैं, मिनट अधिक लगते हैं। तो सुनो भैया, टोटल कितने लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं और उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो 10 मिनट इसको हम घंटे में चेंज कर लेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतना आ गया, सब जीरो से जीरो कैंसिल होएगा, वाह जीरो से जीरो कैंसिल होएगा वाह, तो कितना आ गया आएगा, 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर में, इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 25/6 आ जाएगा, 25/6 आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, देख लो यहाँ पर 6 नीचे आ गया 6.59, ठीक है और 1 की कम 1, ठीक है 25 आ जाएगा, कटाओगे तो ये आ जाएगा, इतना आ गया समझ, बताओ मुझे इतना आ गया है समझ में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/y है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है भैया, इसको भी 1/x मान लेना, इसको यहाँ पर क्या कर लेना है आपको, ठीक है इसको मान लेना है 1/x और इसको मान लेना है 1/y बराबर भी मान लेना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100a + 200b बराबर में, नहीं इसको मानोगे ना पहले, तो 60a + 240b बराबर में 4, समीकरण नंबर 3 बोल देना इसे, और इसको मानोगे 100a + 200b बराबर में कितना, 26/6 है ना, 25/6, ठीक है इसको ऐसे क्या कर सकते हैं आप लोग, मान सकते हैं, बताओ मुझे इतना समझ में आ गया क्या, इतना समझ में आ गया क्या। आप लोग यहाँ से कॉमन भी इसको ले सकते हैं, ठीक है यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, 100 का कॉमन ले लो, किसका ले लो, 100 का कॉमन ले लो, यहाँ पर 60 का ले लो, तो कॉमन करके भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले से अगर कॉमन लो, 60 कॉमन ले लो, a + 4b बराबर में 4, ये ऊपर वहाँ चला जाएगा ये गुणे में, तो a + 4b बराबर में 6 + 6 = 24, 240 समीकरण नंबर 5 बोल देना इसको, ये तो 4 हो गई, इसको 5 बोल देना, ये इतना हो गया। अच्छा ये उधर जाके भाग में जाएगा ना, ये गुणे में है, ये गुणे में है, उधर भाग में चला जाएगा भाई, ठीक है इधर जाके किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, गुणे में इधर जाके भाग में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60, तो 4 एकम
दो बच्चे चार पंचे बीस, तो ए प्लस फोर बी बराबर में एक बटे पंद्रह, ये समीकरण नंबर पाँच बोल दो यहाँ पर। ठीक है, ऐसे इसमें से आप लोग सौ का कॉमन ले लोगे, सौ का कॉमन ले लिया, ठीक है, सौ कॉमन ले लिया, ए प्लस दो बी बराबर में पच्चीस बटे छः। ठीक, अब क्या करेंगे, सौ को भी भाग में ले आएंगे तो इसके गुणे में हो जाएगा, इसके गुणे में हो जाएगा, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो एक बटे पाँच आ जाएगा। और इसको फिर आप लोग विलोपन विधि से हल कर लेंगे, इसको आप लोग फिर विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं एक शायद क्वेश्चन में मैंने पीछे जो इसका है इसका मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया है। ठीक है, कोमल लेके मैंने उसका गुणा कर दिया, तो उसको आप लोग सही कर लेंगे। हमें इधर से जब इधर कोई गुणे में चीज़ होती है तो उधर जाती तो वो भाग में हो जाती है। ठीक है, उसको थोड़ा आप लोग सही कर लेना। ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। वैसे भी हमारे जो भी क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने भी पार्ट थे सारे हमने कर लिए हैं, और अगली क्लास से हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा चैप्टर। ठीक है, बहुत आनंद आएगा उस चैप्टर में, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बड़ा था ये भी। ठीक है, कोई नहीं, फिलहाल हमने अब तो इसको फाइनली ख़त्म कर लिया है, अब हम लोग करेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा पढ़ के आइएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर, आज की क्लास को हम यहीं भी समाप्त करते हैं, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।